सत श्री अकाल दोस्तों, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, शहीदी हफ्ता चल रहा है। सानू सब नूं पता है कि इस हफ्ते दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे पूरे परिवार नूं शहीद कर दिता गया सी। दो साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिणवा के सरहंद विखे शहीद किया गया ते दो साहिबजादियां नूं चमकौर साहब की जंग दे विच शहीद किया गया सी। इन्हां सब कुरबानियां दी वजह नाल अज सिख धर्म जिंदा है। सिख धर्म दीआं इस महान कुरबानियां नूं हरेक साल वियोग दे नाल याद कीता जांदा है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों शहीदी प्राप्त कीती तां उन्हां द्वारा लिखियां होईयां कुछ पोथियां मिलियां सन। उन्हां पोथियां नूं माता सुंदरी जी की इजाजत दे नाल भाई मणि सिंह जी द्वारा इकट्ठा कर दिता गया ते उस नूं दशम ग्रंथ का रूप दिता गया। दशम ग्रंथ साहब नूं भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल पौंटा साहब, तख्त श्री हजूर साहब, तख्त श्री पटना साहब दे विच सुशोभित किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे बराबर ही दशम ग्रंथ जी नूं मन्या जाता। निहंग सिंह जथेबंदियां दे द्वारा इस ग्रंथ नूं ही पढ़िया जाता है। जिवें ही गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन्या जाता है, उस तरीके दे नाल दशम ग्रंथ दी भी आदर किया जाता है। निहंग सिंघा दे द्वारा हमेशा ही इस दे विच जो मौजूद हन वीर रस नूं पढ़िया जांदा। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा थापड़ा लैके पंजाब आए सन तां उन्हां दीआं मुगलां दे खिलाफ जो भी लड़ाइयां होईयां उन्हां दे विच इस वीर रस नूं गाया जांदा सी। ढोल नगाड़ियां दे नाल सैनिकां दे विच उत्साह पैदा करन दे लई इस वीर रस नूं गज वज के गाया जांदा सी। सो इस वीर रस नूं समर्पित करदा होया अज एक बब्बू मान दे द्वारा भी शब्द रिलीज़ किया गया है। बब्बू मान अक्सर सिख इतिहास के बारे काफ़ी कुछ गाते रहते हैं। 2009 च उन्हां दी पहली एल्बम आई सी सिंह बैटर दैन किंग, जिस दे विच 10 ट्रैक जो सिख धर्म नूं समर्पित सन। उस तो बाद भी उन्हां दे समय समय के उपर काफ़ी गीत आउंदे रहे हैं जो कि पूरी तरह के नाल सिख धर्म नूं समर्पित होंदे सन, जो कि सिख धर्म दे विच जां समाज दे विच फैलियां होईयां कुरीतियां ते बहुत तकड़ी ठोस सट मारदे सन। सो अज रिलीज़ होया है बब्बू मान दा वीर रस, जो कि दशम ग्रंथ साहब दे विचों ही लिया गया है। दशम ग्रंथ साहब दे विच जो मौजूद है वीर रस, उस नूं बब्बू मान ने एक बेहतर तरीके दे नाल गाया है ते बनाया है। वधिया म्यूजिक दे नाल उस नूं तैयार किया गया सी। तकरीबन एक साल पहला इस दा टीजर रिलीज़ किया गया सी जदों किसान अंदोलन चल रहा सी। अपना वीर रस दा जो शब्द है उन्होंने सोशल मीडिया ते यूट्यूब चैनल दे उपर अपलोड कर दिता गया है। दोस्तों, वीर रस जो गाया गया है वह फारसी, उर्दू ते संस्कृत दे विच गाया गया है। जो शब्द दशम ग्रंथ दे विच वरते गए सन सेम टू सेम बब्बू मान साहब ने उस नूं ही उठा के इस नूं बनाया है। सो इस दे विच दसण योग गल यह है कि इस वीर रस नूं सुनण तो बाद सानूं थोड़ी जी मेहनत करनी पएगी। सानूं उस दी व्याख्या दे लई गूगल दा सहारा लेना पएगा जां दशम ग्रंथ साहब दीआं पोथियां दा सहारा लेना पएगा। व्याख्या करन दे लई सानूं दशम ग्रंथ दे विच जो मौजूद हन निहंग जथेबंदियां द्वारा प्रचार किया जाता है उसका सहारा लेना पएगा, क्योंकि साड़ी कौम दे सिख धर्म दे ये माड़े हालात हैं कि जो वीर रस बब्बू मान ने जिस भाषा दे विच गाया गया है वो आम लोगों को समझ नहीं आएगा। लेटेस्ट जनरेशन या साड़ी जनरेशन दे तां उपरों शायद ये 10-15% लोगों को ही समझ आए, पर मोस्टली ये लोगों को समझ नहीं आएगा। इस नूं समझण दे लई सानूं दशम ग्रंथ नूं परोलना पवेगा जां गूगल दा सहारा लेना पए। मॉडर्न साजा दे नाल इस दा एक बेहतरीन संगीत तैयार किया गया है जो कि तुहाडे कन्नां दे विच रस घोल देवेगा। तुहानूं वायलन ते तुहानूं फ्लूट दे अजिहे नोट्स सुनण नूं मिलणगे जो कि अक्सर किसी होर म्यूजिक डायरैक्टर द्वारा नहीं वरते जाते हैं, जां होर संगीतक गीतां दे विच तुहानूं सुनण नूं नहीं मिलते हैं। भावें एक ये धार्मिक गीत है, पर इसनों बहुत ही बेहतरीन ढंग के नाल गाया ते बनाया गया है। जेकर तुसी हजे तक नहीं सुनिया है ता एक बार बब्बू मान दे यूट्यूब चैनल दे उपर जाके जरूर सुनियो, थानू चंगा लगेगा।
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।